मध्य प्रदेश में एक पिता ने अपने बेटे का एक हाथ कुल्हाड़ी के वार से धड़ से अलग कर दिया, फिर उस कटे हुए हाथ को लेकर सड़क पर पैदल पुलिस के पास पहुंच गया। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे से गाड़ी की चाबी मांगी थी, लेकिन उसने चाबी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्सा आने पर उसने हाथ काट दिया। आपको बता दें, मामला पथरिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले मोतीलाल पटेल ने आज दोपहर के समय अपने बेटे संतोष से बाइक की चाबी मांगी थी, लेकिन बेटे ने चाबी देने से इनकार कर दिया। इससे पिता मोतीलाल पटेल को गुस्सा आ गया। उन्होंने घर में रखी कुल्हाड़ी से बेटे संतोष का बायां हाथ धड़ से अलग कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।